हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। माय नेम इज कार्तिक। और जैसा कि आप लोगों को पता है, DSSSB ने अपने आगे होने वाले एग्जाम्स की एग्जाम कैलेंडर आउट कर दिया है। उन्होंने एग्जाम डेट बता दिया। हमें हेड क्लर्क की पता है, असिस्टेंट ग्रेड टू की पता है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पटवारी, इनकी एग्जाम डेट अभी आनी बाकी है। तो अभी कल ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें इस नोटिस के बारे में हमने डिस्कशन करा था कि कौन से एग्जाम की डेट कब है। उसमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड अगर हमें पोस्ट वाइज पता चल जाए, साथ ही साथ कैटेगरी वाइज भी पता चल जाए, तो हमारे लिए एक ये जानना आसान हो जाएगा कि कितना कॉम्पिटिशन है हमारा। उस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन में और ज़्यादा जोश लेके आएंगे, क्योंकि देखिए कंपटीशन तो सच में बहुत ज़्यादा है। आप लोग देखेंगे, डिटेल देखेंगे तो हैरान होंगे, जहाँ 100 वैकेंसीज हैं वहाँ लाखों बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई करा है। तो देखें, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो डेटा आया है वो है JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट LDC का, जिसमें 118,705 जनरल के कैंडिडेट हैं। साथ ही साथ फिर 46,757, 74,551, 13,248, 20,117 और ये 2626 है, 2626। तो ये हमारे डिफरेंट कैटेगरी वाइज है। ये एग्जैक्ट डेटा RTI के द्वारा आया था, सेम कैटेगरी वाइज यही डेटा आया था, ठीक है। तो अगर बात करें हेड क्लर्क की, तो यहाँ पे 45,000 बच्चे हैं जनरल कैटेगरी में, और अगर अदर कैटेगरीज में भी ऐसे ही हैं, 16,000, 24,000, 4,000, लगभग 3,000 और यहाँ पे 630। और पटवारी की बात करेंगे 48/21 का, इसमें भी जहाँ बहुत कम वैकेंसीज हैं, पटवारी में लगभग जनरल की वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 6 हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ LDC में जो जनरल की वैकेंसी है वो 114 हैं, हेड क्लर्क में जो जनरल की वैकेंसीज हैं वो है हमारी 7, और पटवारी में कितनी है 6। तो 7 में 6 में इसमें भी इतनी भीड़ है, तो उस हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और आप लोग देखिए, यहाँ पे पटवारी में 30,121, 14,000, 26,000, 3,667, 3,513। तो ये था हमारा डेटा। इसमें एक हमारा असिस्टेंट ग्रेड टू का रह गया है, 22/21 असिस्टेंट ग्रेड टू, उसमें भी पता है, हम लिख देते हैं असिस्टेंट ग्रेड टू का। तो उसमें असिस्टेंट ग्रेड टू में है 14,490, 6,888, 12,232, 2,060 और 2,329। तो ये अलग अलग कैंडिडेट्स अप्लाइड हैं, कैटेगरी वाइज हैं। तो आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, बट उस हिसाब से हमें तैयारी भी करनी होगी। तो DSSSB की जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, सबका सिलेबस सेम होता है, सबका एग्ज़ाम पैटर्न सेम होता है, सब में वही चीज़ें पूछी जाती हैं, थोड़ा ऊपर नीचे करके चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप लोगों के लिए फ्रेश DSSSB बैच बहुत जल्द विद इन 1 वीक स्टार्ट होने वाले हैं, जितने भी आगे आने वाले एग्जाम हैं। तो बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल स्टार्ट चलेंगे, साथ ही साथ फ्री मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। पूरी मॉक टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए तैयार करी जा रही है, प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों के तैयार करी जा रही है, प्रैक्टिस PDF आप लोगों के लिए तैयार करी जा रही है। तो आप लोग मेहनत करते रहे, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। जितना हम कोशिश करते हैं उतनी ही आपको डबल एफर्ट लगा के अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, इस कॉम्पिटिशन को ज़्यादा दिल पर मत लें, घबराइए नहीं, और अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करके बस मैंने करना है ये बात मान के, ये बात ठान के लग जाइए, जुट जाइए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।